क्वेश्चन नंबर 27 इवोल्यूट ये आयोटा दी पावर 19 प्लस 1 अपन आयोटा की पावर 25 एंड वोल्ट टू दी पावर 2। ठीक है, सो अपने पास क्या गिवन है, अपने पास गिवन है आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 सो वोल्ट टू दी पावर 2। ठीक है, सो देखो हम जानते हैं क्या कि आयोटा की पावर 4 होता है 1 एंड आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। ठीक है, ये तो हमें पता है। सो आयोटा की पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 16 प्लस 3। ठीक है, एन प्लस, देखो ये जो 1 है ना, 1 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा की पावर 25। ठीक है, एंड ए क्या आ जाएगा अपने पास, होल स्क्वायर। नाउ सो आयोटा की पावर 16 प्लस 3 को हम क्या ले सकते हैं, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3। ठीक है, एंड प्लस ये एक आयोटा की पावर 4 से आयोटा हमने एक क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अपने पास क्या बचा, आयोटा की पावर क्यूब इंटू 25। ठीक है, होल पावर 25 और इन सब की होल पावर 2। नाउ ये आयोटा की पावर क्या है अपने पास, 16, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 4 यानी इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, एन प्लस, हम जानते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा की पावर 25 एंड वोल्ट टू द पावर 2। ठीक है, सो देखो ये होता है आयोटा की पावर 4 कितना होगा, 1, सो 1 टू द पावर 4, ये कितना होगा, 1 टू की पावर 4 एंड आयोटा क्यूब। ठीक है, प्लस ये अपने पास है माइनस आयोटा। ठीक है, इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, होल स्क्वायर, तो यहां से हमें मिल जाएगा आयोटा क्यूब, क्योंकि 1 टू दी पावर 4 कितना होगा, 1, सो आयोटा क्यूब और ये कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 24। ठीक है, इंटू माइनस आयोटा की पावर 1, यहाँ तक क्लियर है, एंड होल टू दी पावर 2, ये 1 है। सो देखो आयोटा क्यूब क्या होता है अपने पास, माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4 एंड 4 टू दी पावर 6, क्योंकि 6 4 जा कितना होगा, 24, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास माइनस आयोटा होल टू दी पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना माइनस आयोटा एंड प्लस ये देखो इसको अगर ये क्या लिखा है, ये माइनस आयोटा क्या लिखा है, 1 इंटू आयोटा, सो माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा, सो माइनस 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 1 एंड आयोटा की पावर 4 कितना होगा, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 टू दी पावर 6 इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, का होल स्क्वायर, तो माइनस आयोटा और 1 टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा, 1, तो और क्या बचेगा अपने पास, माइनस आयोटा, तो अपने पास क्या आया, माइनस 2 आयोटा की होल पावर 2। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आयोटा स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 की, तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस 4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।